राधे 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 कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बनैया मनुष्य की बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तब उसको कुछ भी परिस्थिति गुजरे होश नहीं आता है। जैसे रावण का पुत्र मारा गया, मेघनाथ मारा गया, कुंभनाथ मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, लेकिन उसको होश नहीं आया। आखिरी समय तक जब हनुमान ने लंका जलाई थी तब भी उसको होश नहीं आया। इसी तरह से दुर्योधन की बुद्धि जब भ्रष्ट हुई थी, भीष्म मरे, द्रोण मरे, कृपा सब मरते गए, लेकिन कर्ण के मरने बाद भी उसको होश नहीं आया। उसी तरह से धृष्ट बुद्धि, उसके जितने भी कुचक्र थे सब नष्ट हो गए, और चंद्रहास बराबर उसकी भगवान रक्षा करते रहे, और चंदनावती नगरी का राजा बना, कुंतलपुर का राजा बना, दो दो गद्दियां मिली, दो दो राजकुमारियां मिली। क्या भगवान की लीला है, जिसको प्रभु रक्षा करता है उसका संसार में कोई भी बाल टेढ़ा करने वाला नहीं है। ये कथा जैसे ध्रुव की रक्षा हुई, प्रहलाद की हुई, उसी से मिलती जुलती ये घटना है जो पुराणों में लिखी हुई है। केवल भक्तमाल में तो ही नहीं है, जैमिनी अश्वमेध पर्व में भगवान वेदव्यास ने इस घटना को लिखा है, और भक्तमाल में भी इस घटना को लिखा गया है। क्योंकि इसमें जाने कितने चमत्कार हैं, आखिरी चमत्कार अभी बाकी है जो आप देखेंगे। जो चंद्रहास देवी के मंदिर को जाता है और उसके लिए, अच्छा, तो उसको मारने के लिए धृष्ट बुद्धि अंतिम प्रयास कर रहा है। वो द्रोह में इतना अंधार हो गया कि ये नहीं सोच रहा है कि मेरी बेटी विधवा हो जाएगी, इसको मरवाने का परिणाम क्या है। लेकिन द्रोह अंधा कर देता है, सर्वनाश होने के बाद भी होश नहीं आता है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मुत्पत्ति पहले हर लेही। जैसे रावण का, दुर्योधन का, सुंद का अनेक कथाएं हैं कि एक के एक बाद विनाश होता रहा और आंखें नहीं खुली। उसी तरह से धृष्ट बुद्धि की भी कथाएं हैं। धृष्ट बुद्धि ने पहले बचपन में ही चंद्रहास को मारने के लिए हथियारों को सौंपा था, जो आप लोगों ने देखा, कौड़ीमल, चमड़ीमल, दमड़ीमल, ये सब हथियारे उसको ले गए और एक उंगली काट करके प्रमाण के हमने मार दिया, धृष्ट बुद्धि को दिखा दिया। धृष्ट बुद्धि समझ गया कि हमने ब्रह्मा का लेख मिटा दिया। उसके बाद फिर चंद्रहास बच गया। बचने के बाद
वो चंदनावती नगर में नगरी में पहुंच करके वहां का युवराज बन जाता है भगवान की कृपा से। युवराज बनने के बाद वहां पर धृष्ट बुद्धि जाता है और अनुमति लेने के लिए उसको चंदनावती नगरी भेजता है। वहां भी प्रयत्न करता है कि इसको मदन विष दे दे, लेकिन उल्टा होता है। मदन विष की जगह विषया अपनी बहन दे देता है। फिर भी दृष्ट बुद्धि की आंख नहीं खुली। बार बार ऋषि लोग कहते थे कि नहीं, इसकी रक्षा अवश्य होगी, यही दोनों नगरियों का राजा बनेगा। लेकिन ऋषियों के समझाने पर भी दृष्ट बुद्धि की आंख नहीं खुली। जैसे रावण को हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके समझाया था, विनती करूं जोर कर रावण, हटतज मानव मोर सिखावन। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, रावण मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, मेरी बात मान जा। विभीषण ने कहा, रावण ने लात मारा, भरी सभा में बार बार लात मारा और विभीषण पिट पिट करके कहता रहा, तुम पितु सरिस भले हो मोय मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तुम मेरे पिता हो, रावण से कहता है विभीषण ने कि तुमने मुझे भरी सभा में लात मारा। सारे ब्रह्मांड का रावण राजा था, देवलोक जीत लिया था और तीनों लोक के महामंत्री को लातों से पीटा, लेकिन फिर भी विभीषण यही कहते रहे कि भले मोय मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। मैं यही कहूंगा, मेरे भैया तुम मेरे पिता हो, भगवान की शरण में जाओ, इसी में तुम्हारा हित है। लेकिन रावण नहीं समझ पाया और विभीषण को निकाल दिया लंका से। जा, तू शत्रुओं का पक्ष लेता है, लंका से निकल जा। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तब ही अभागा। अभागा था, भगवान के भक्तों से जो द्रोह करता है वो अभागा होता है, उसका कभी भला नहीं होता। जैसे हिरण्यकश्यप का नहीं हला, न रावण का हुआ। भगवान के भक्तों से द्वेष नहीं करना चाहिए, उसका अवश्य विनाश होता है। अंत में जब रावण चला तो घोषणा किया आकाश में जाकर के कि मैं अब जा रहा हूं, सभा काल बस तोर। हे रावण, हे मेरे भाई, सारी सभा लंका काल के अधीन है, इस बात को मारीच ने भी कहा था। रावण जब गया था, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, रावण ने कहा था, मारीच तू सोने का हिरण बन जा, मैं राम की सीता का हरण करूंगा, तू धोखा करना और हा राम चिल्लाना, जिसमें लक्ष्मण भी वहां पहुंच जाए और मैं सीता का हरण करूं। उस समय मारीच ने कहा था, त्वद्विधा
काम वृत्तो ही दुशीलो पाप मंत्रितम आत्मानम स्वजनम राजा हंतिसा दुर्मति। ए रावण, तेरे जैसा दुशील और पाप मंत्रणा करने वाला राजा अपना नाश ही तो करता है, देश का नाश कर देता है, देश के समस्त नागरिक मारे जाते हैं राजा की गलती से, राजा के पाप से। लेकिन मारीच के कहने पर भी रावण ने क्रोध किया, तू मुझसे ही मरना चाहता है? उसी तरह से आंख नहीं खुली धृष्ट बुद्धि की, अब वो आखिरी प्रयत्न कर रहा है कि देवी के मंदिर में इसको हत्यारे लोग काट डालेंगे। लेकिन क्या होता है, देवी क्या करती है, जड़ भरत की जिसने कथा सुनी है वैसे ही कथा ये भी है। चंद्रहास जा रहा है। जीजा जी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मदन, आओ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तुमको एक शुभ समाचार देना है। हाँ बोलिए ना। देखो मदन, इसे कहते हैं विधि का विधान। आज जब मैं तुम्हारी बहन विशा के साथ राजमहल पहुंचा तो वहां ऋषि गालव उपस्थित थे। उनके आदेश पर कुंतलपुर नरेश ने अपनी पुत्री चंपक मालिनी का गंधर्व विवाह मेरे साथ करा दिया, और यही नहीं, उन्होंने मुझे कुंतलपुर का राजा भी घोषित कर दिया। ये तो बड़ा ही शुभ समाचार सुनाया आपने, परंतु मैं अभी भी समझ नहीं पाया आप जा कहाँ रहे हैं। वो क्या है मदन, कुंतलपुर राज्य की एक परंपरा है, हर शुभ कार्य के बाद नवयुवक को देवी मंदिर में जाकर पूजा करनी होती है, बस वहीं जा रहा था। परंतु उस मंदिर का मार्ग तो अति दुर्गम है, रास्ते में घनघोर जंगल भी पड़ता है, आप भटक सकते हैं और वहां पहुंचने में रात्रि हो जाएगी। मेरी माने तो आप यहीं विश्राम कीजिए, मैं चला जाता हूँ आपकी जगह और देवी भवानी का पूजन करके तुरंत वापस आता हूँ, उसके पश्चात हम और आप राजमहल चलेंगे। जैसी भवानी माँ की इच्छा, तुम ही देवी पूजन कराओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, शीघ्र आना। आप चिंता ना करें, बस यूं गया और यूं आया, लाइए मुझे दीजिए पूजन की सामग्री। ये लो मदन, पूजा की सामग्री।